गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग भैया गुड इवनिंग न्यूज पता लग गई हाँ सर पेपर कैंसिल हो गया आप फिर भी पढ़ने आ रहे हो क्या बात है <laughs> नहीं सर अब क्लासिक प्रथा जैसी हो गई सर जो लेनी ही है अरे वाह यार वाह ये बात जबरदस्त है देखते हैं आज देखो कितने आएंगे पता लगता है अभी आने देते हैं हाँ सर, हाँ सर मेरे तो दो तीन दोस्तों को ऑलरेडी कॉल आ गए कि आज क्या कर रहा है आप एलो खोला जा खेलते साथ से सर दो तो तीन दोस्तों के फोन आ गए ऑलरेडी वैसे खेलना चाहिए मजे करने चाहिए क्योंकि बच्चों पर बहुत प्रेशर था लेकिन फिर भी हम हमने जो सीखना है वो भी पूरा रखेंगे लेकिन अब प्रेशर खत्म हो गया इसलिए हाँ। तो पूरी करेंगे तो सर जो वो ए आई एल करवाए थे सर उसके बेसिस पे मिलेंगे हमें मार्क्स यार इंटरनल के बेसिस पे मिलेंगे और अगर कोई इंटरनल मार्क्स से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो बाद में री एग्जाम कभी दे पाएगा जब कोविड खत्म हो जाएगा जब कोविड तो क्या खत्म होगा अभी जल्दी से मतलब अब कुछ कह नहीं सकते वो मतलब बात आई गई हो गई है तो सर मतलब ऑनलाइन एग्जाम्स भी नहीं लेंगे ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रहे भैया एग्जाम कैंसिल हो गए एग्जाम ही कैंसिल हो गए टेंथ के तो सब बच्चों को पता लग गई भाई न्यूज़ यस सर सबका बर्डन खत्म हो गया है ना आज तो वीडियो खोल लो यार आज तो बातें होंगी आज पढ़ाई बाद में होगी <laughs> आज तो वीडियो खोलनी बनती है आज कुछ देर बातें होंगी फिर पढ़ेंगे ऐसी बात नहीं है पढ़ेंगे जो सीखना है वो सीखेंगे भी हाँ वैभव आ गया और वैभव भाई अब क्या वैभव बताएगा अब क्या करेगा भाई आज बैट बॉल खेलना है नो सो यू नहीं मोनिश भी आ गया मोनिश भाई क्या करोगे पेपर कैंसिल हो गए भैया मेहनत ही खराब हो गई सारी क्या हुआ सर मेहनत मैं, खराब हो गई सारी मेहनत खराब हो गई ये तो बात है लेकिन यार ऐसे मेहनत कहीं नहीं जाती है मेहनत क्या नॉलेज थी नॉलेज हो गई गेन और कुछ बच्चों को ना जेनुअनली बहुत प्रेशर था आप अगर एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस में सोचोगे बच्चे बहुत प्रेशर में थे क्लास नहीं हुई थी तो उनके लिए ठीक भी है ये ठीक है जी बात तो ठीक है जिसने मेहनत की उसकी मेहनत पे फर्क आएगा आ, स्पीकर हेडफोन ये ठीक है जी आज देखने की बात ये है कल सो थे आज कितने आएंगे हाँ, सक्षम मस रहा है <laughs> सर अभी तो बढ़ रहे ट्वेंटी फोर हो गए हाँ, स्कोर बढ़ गया है नमस्ते अरे वीडियो जो खोलना चाह रहा है खोल लो वीडियो। आज वीडियो खोल लो लो भाई वीडियो वीडियो आज आज क्लास तो होगी बच्चों पढ़ेंगे तो सही हम लेकिन थोड़ी देर बाद दस पंद्रह क्योंकि आप सबका प्रेशर तो आज खत्म हो गया आज मेरा भी यार... प्रेशर थोड़ा सा नीचे आ गया भैया जी भैया आपको एक भूतिया कहानी सुनानी थी वो सुना दो जो आप दिवाली पे सुनाने वाले थे अरे नहीं भाई नहीं आज मूड नहीं है यार आज कहानी सुनाने सुनाई तो होगी मैंने सुना दी थी यार नहीं भैया नहीं सुनाई थी नहीं सुना नहीं नहीं तो भैया अब अब से आप करवाओगे कर कराओगे नहीं, नहीं। हम तो जिस पैटर्न पे चल रहे उसी पैटर्न पे चल के ठीक है जो प्रैक्टिस करना चाहेगा महीने के एंड तक उसे प्रैक्टिस पूरी करा के ठीक है भैया फिर आपको खुला छोड़ देंगे आराम से लेकिन अब थोड़ा सा प्रेशर आपको रिलैक्स करना चाहिए

बातें ही होंगी बच्चों की शक्ल देख के आज मजा आ रहा है भैया तनवीर थोड़ा सा टेंशन में दिख रहा है भाई क्या बात है अब बस ये देखो आपके इंटरनल मार्क्स वैसे स्कूल मेरे को लगता है स्कूलों को अपने जो भी मार्क्स आए हो वो इंटरनल मार्क्स आपके बेटर करेंगे मैनिपुलेशन होनी चाहिए थोड़ी सी सर या तो असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल्स के ऊपर ही देंगे या, प्रीवोर्ड वन या फाफेली जो है है पर आ, वो तो ठीक है? है बच्चे लेकिन प्रैक्टिकल होते होते थे थे आपके तो कौन से होते थे? 20 में से में नंबर 19 नंबर तो हर बच्चे को मिलते है ना सत्रह से बीस वही होने वाला है हांजी सी बी एस ई कह मार्क्स करेगी नहीं पता

सर आज नहीं बुलाया कोई बच्चे को दोबारा बोलो मैं सर आज ऑफलाइन नहीं बुलाया कोई भी ऑफलाइन तो मैंने कल भी नहीं बुलाया था भाई वो एक दो बच्चे मजबूरी में बुलाने पड़ गए थे सो पूरे हो गए थे जब एक सेकंड ऑडियो आउटपुट सर फिर हमें मार्क्स बेसिस पे देंगे मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम के बेसिस से मिलेंगे भैया या सर एआईएल एक्टिविटी करवाई थी अभी ये क्लियर नहीं है

कोई लेटेस्ट और कंफर्म न्यूज़ है कि इसमें मार्क्स कैसे लगेंगे तो बता दो अरे कहो तो YouTube पे लाइव कर दूं इसको कर लो भैया सर यस सर नहीं रहने दो यार रहने दो <laughs> सर तो ट्वेल्थ वालों के साथ क्या होगा सर उनके तो पेपर होंगे अभी यार ट्वेल्थ बेसिस पे ना आगे बहुत कुछ होता है JEE main भी होगा ना भैया

ठीक <laughs> है इकट्ठे आए हैं मैंने पहली बार देखा पूरे साल में पहली बार देखा भाई वीडियो क्यों बंद कर दी यार शर्मा के <laughs> हाँ, सर, हो गए हाँ फिर क्लासेस नहीं होगी क्या हुआ दोबारा बोल सर क्लासेस नहीं क्लासेस क्यों नहीं होंगी भाई तू क्यों नफा फैला रहा है तेरे को पेपर का पता लग गया पहले ये बता यस सर तू खुश क्यों नहीं है पहले बता सर देने फिर बहुत सारे बच्चे खुश नहीं है वो कह रहे हैं पढ़ रहे थे रोज ऐसे अच्छा एक बार ईमानदारी से बोलना झूठ मत बताना झूठ मत बोलना भैया खुश मेरे हिसाब से होना भी चाहिए यार तुमने एक्चुअली वो पढ़ाई की नहीं पांचों सब्जेक्ट की नहीं की कर ही नहीं पा सकता था कोई बच्चा ऑनलाइन कितना पढ़ लेता क्या कर लेता बेचारा सर मैंने स्टार्ट नहीं करी थी सर बढ़िया चलो भैया अब तो मैथ्स में सौ नंबर भी नहीं ला पाए अरे यार ये साल तो याद रहेगा मैं <laughs> पहली बार बोर्ड देने वाले से नेचर नहीं चाहती हम दे <laughs> सर मैं तो खुश हूँ इससे कोई बात नहीं सर भाई हम तो जनरल उसमें देख रहे हैं बच्चे प्रेशर में थे और दसवीं का बच्चा छोटा बच्चा होता है बहुत ज्यादा प्रेशर में था तो ये ठीक ही है किसी हद तक तो भैया तो आप छोड़ो आपके पेरेंट्स भी बहुत प्रेशर में थे और किसी हद तक पढ़ाने वाले टीचर भी जो मेहनत कर रहे थे वो भी प्रेशर में थे कि बच्चों का क्या हो गए भैया भैया स्कोर बढ़ गया हमारा अब आप इलेवन जल्दी स्टार्ट कर दोगे नहीं नहीं भैया नहीं अभी आराम करो थोड़े दिन कोई इलेवन जल्दी नहीं स्टार्ट हो रही है मजे लो यार बोर्ड कैंसिल जून में अरे क्रिकेट खेलो मजे लो मैं भी घुमाता हूँ थोड़े दिन यार पहली बात यह सुन लेना इस महीने क्लास पूरी होंगी क्लास पूरी होंगी जो सीखना है वो पैकेज पूरा होगा ठीक है रिवीजन वो पूरी, पूरी सब्जेक्ट लेना मिल जाएगा एक मिनट सारे पहले मेरी सुन लेना फिर आप अपना विचार रख लेना जितने बच्चे आ गए हैं बच्चों क्लास पूरी वैसे ही होंगी जैसे चल रही थी बोर्ड कैंसिल हो गया पक्की बात पेपर कोई नहीं देना पक्की बात लेकिन पैशन में कमी हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें सीखना है और बोर्ड की तैयारी में हम अभी कुछ पीछे थे क्या तारीख है कोई चौदह ना तो लगभग लगभग ग्यारह बारह क्लास बची हुई है महीना खत्म होने में तो क्लासेस जैसे चल रही है, वैसे ही चलेंगी और उसमें हम अपना फिर पेपर हुए नहीं हुए आप में आगे हो जाओगे, है ना जो भी अब इनका रूल आएगा उसके अकॉर्डिंग तो आपको दिक्कत नहीं महसूस होगी क्योंकि आपने मेहनत पूरी की है ठीक है अब हाँ ये बात है प्रेशर नहीं होगा ठीक है ध्रुव देखो ध्रुव सबसे ज्यादा खुश है सबसे टेंशन में सर जी जो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो किसके बेसिस पे मिलेगा यार ये ऑब्जेक्टिव वाली बात क्लियर नहीं है मैंने अभी न्यूज ज्यादा ढंग से पढ़ा भी नहीं है ये कोई बताओ किसी बच्चे को क्लियर हुआ हो तो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे वो कह रहे हैं सर उन्होंने कहा कि पंद्रह दिन पहले हमें इन्फॉर्म कर देंगे बच्चे वो ट्वेल्थ के लिए है पेपर कैंसिल हो गए ये नहीं लैंग्वेज आई है Cancel. आगे कैंसिल आगे हो हो आगे कैंसिल आगे का आगे मतलब... नहीं कैंसिल का मतलब मतलब खत्म तो हो लेकिन किस बेसिस पे हो लेंगे? एक काम जो हो सकता है सभी ध्यान से सुनना स्कूल कहता है एक बेसिस पे हम आपको नंबर देंगे ऑब्जेक्टिव का यही मतलब निकालना चाहिए इन्हें तो इंटरनल में भैया कई कई बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए होंगे ना पहले यस सर मेरे सही नहीं आए स्कूल ऑप्शन देगा आपको मैं अभी भी कह रहा हूँ स्कूल आपको ऑप्शन देगा भाई एक ऑनलाइन टेस्ट दे दो या कैसा भी टेस्ट दे दो सकता अभी ठीक है? है, है।, है तो एक ऑनलाइन टैप देखे अरे वैसे तो किसी बच्चे की अपने स्कूल टीचर से बात है तो अभी फोन पे बात करो ना ध्रुव सबसे ज्यादा खुश है ध्रुव साथ किसको बिठाया हुआ है सर ये जय है अच्छा दिखा यार जय को भी दिखा जय को भी स्क्रीन में लिया हाँ जी वेरी गुड बाकी भैया बच्चे आ गए अस्सी इक्यासी बयासी नहीं अस्सी हुए सर सर हमारे स्कूल वालों ने यही कहा है कि जो हमारा वो शेयर तो उसी दो के बेस पे हमें लगा देंगे तो इसलिए आप पढ़ लो उसके लिए सब बच्चे ध्यान से सुनना भैया वो क्या होगा एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा शायद

प्रेशर खत्म हो गया बहुत अच्छी बात है बच्चे अब टेंशन में नहीं है ये से पहली बार हुआ है ना ऐसा पहली बार ही हुआ है भाई सौ सौ साल के जो बूढ़े लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं ऐसा पहली बार हुआ है मैं कितना देख गिनीज बुक में ये पीरियड आएगा उन्होंने भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा हम तो फिर भी छोटे हैं सर सर सर, सर बाकी जो हमारी अटेंडेंस रही है उसका भी होएगा क्या दोबारा बोलो अटेंडेंस हाँ सर जो मतलब स्कूल की क्लासेस के है, सर, उसके भी मतलब मार्क्स लगेंगे इस बार या हाँ नहीं बच्चों की जान लोगे क्या यार भैया नहीं हो सकता वी 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 की नेट प्रॉब्लम होती है ना ऑनलाइन के अंदर नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है इस साल के लिए कुछ हाँ सर ऐसा कुछ नहीं है हमारे स्कूल में तो सर मेरी तो फुल होती सर अगर होगी चलिए अब आज क्या क्लास शुरू करें भैया बोलो आज माने भैया यस सारे हैंड डाउन करो सारे हैंड डाउन करो और जिसका मन नहीं है है, वो हैंड रेज करो बस फिर क्लास शुरू कर रहे हैं वैसे हम लेकिन जिसका मन नहीं है वो हैंड रेज कर सकता है अरे वाह यार तुम तो बहुत सारे हो गए अरे पढ़ लो क्यों सुस्ती मैं यही तो कह रहा हूँ क्यों सुस्ती कर रहे हो टेंशन फ्री हो गए ना पेपर नहीं देना आपको है? तो टेंशन फ्री में ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाती है भैया भैया बैच में आ जाएगा या तो फिर चलो कुछ जोक वगैरह सुना दो कोई गाना सुना दो कुछ आपके साथ मजा आता है पूरा टाइम ऐसे कर लो भी सुना दो दस पंद्रह मिनट भी आप कहानी सुना दो भेजो बोल रहे थे कि सर वो हॉरर वाली स्टोरी सुना दो हॉरर स्टोरी सुना दो मजा नहीं आएगा काम खराब हो जाएगा वो सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी बताओ नो सर नो सर सुनाई थी एक बारी सर 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 एक नहीं। नहीं। नाए थी, नाए थी।, सर, थी। सर, सुनाना चाह रहा है सारे कैमरा खोल लो मैं और स्टोरी सुना सारे कैमरा खोल लो तो सुना दूंगा तभी मजा आएगा नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है सर सभी ये सारे में दो बंदे हैं क्वेश्चन पूछ दो बच्चे हैं बस किसी ने नहीं खोला कैमरा सब पढ़ना जा रहे हैं हम भी पढ़ाएंगे अरे खुल गए रहने दो यार डर जाओगे तुम मन नहीं है यार ऐसे खोल दिया दोपहर तो में नहीं डरेंगे अंदर से निकल चलो चल्ण? एक जनरल जनरल डिस्कशन करते हैं ठीक है पढ़ाई के बारे में नहीं है ऐसे ही है आप में से कौन-कौन भूतों पे घोस्ट पे स्पिरिट पे विश्वास करता है सर सर मैं 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 सर मैं

बच्चों मेरे ख्याल से इधर में तो रोज आते हैं भगवान अब सब आ भी गए हैं देखिए टाइम वेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा काम ही करना है हम लोगों ने शुरू शुरू करते करते हैं हैं क्लास क्लास ठीक है जी करते हैं। फिर दोबारा जो बच्चे लेट आए हैं आपका बोर्ड का पेपर कैंसिल हो गया नंबर एक तो बर्डन फ्री हो गया आप नंबर दो लेकिन नॉलेज कम लेके मत जाना और बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं जान रहा लेकिन जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हो वो तो पूरा नॉलेज अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है वो पूरी प्रैक्टिस करेंगे इस पैकेज को पूरा करेंगे चाहे पेपर हो ना या ना हो अगला साल हम इलेवंथ में जा रहे हैं ट्वेल्थ में जा रहे हैं और आगे कुछ भी कर रहे हैं ये नॉलेज तो चाहिए ना और ये मेहनत तो चाहिए ना मैं कह रहा हूँ नॉलेज की बहुत बड़ी कीमत होती है लेकिन उससे बाद एक और बात भी है कि हमने क्या टेंथ में मेहनत की थी ठीक है तो ये गिल्ट नहीं आना चाहिए नहीं लास्ट में हमने मस्ती काट ली थी टेंशन फ्री हो गए ठीक है ठीक है भैया बीस बीस घंटे भी नहीं पढ़ना वो भी ठीक है बहुत बच्चे पढ़ रहे होंगे ठीक है लेकिन मेरे साथ प्रैक्टिस करने पे ध्यान लगाना अब हम आ जाते हैं अपनी क्लास पे ठीक है भैया शुरू कर रहे हैं बस एक मिनट दीजिएगा लेकिन मेरे को आज लग नहीं रहा था मैंने कहा था यार बच्चे मैं सोच रहा था पता नहीं तो बच्चे तो आ जाएंगे नहीं पेपर तो हो गए कैंसिल ठीक है एक बारी फिर बता दो भाई पढ़ने के लिए तैयार हो ना ये ना हो मैं पढ़ाना शुरू करूँ और गायब हो जाओ यस सर रेडी तैयारे आज मन नहीं है तो हम क्लास कल ले लेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है। नहीं है, कल प्रा लेना नहीं नहीं भैया नहीं सर, नहीं सर नहीं मजे करते हैं कल कल भैया मोटिवेशन नहीं आ रही भैया कल ले लेना कल ले लेना आज करते नहीं भैया मोटिवेशन नहीं आ रही मजे करते हैं सर, सर, मजे करने हैं बच्चों को बच्चे ऐसे कह रहे हैं सर आसान वाले करवा दो क्वेश्चन अरे यार तुम बता नहीं रहे तुम भूतों पे विश्वास करते सुनाता तो हूँ कहानी सबको बड़ी मजेदार कहानी है सारे वीडियो खोलो सारे वीडियो खोलो बहुत मजेदार कहानी है सब खोल लो सब खोल लो भैया अरे वीडियो खोल लो ना भैया अभी आता है मजा देखो घर वालों को मत सुनाना कहेगा भैया कैसा है <laughs> उन्होंने ये तो देखा नहीं होगा पूरे साल पढ़ाता कैसे था आज ये देख लेगा कहानी सुना रहा है भूतों की बच्चों को डरा रहा है <laughs> नाम खराब मत कराना मेरा हाँ सुनो जी है क्या मतलब मैं अगर इस भीड़ में सबसे पूछूं भाई भूतों भूतों पे विश्वास करते हो तो सारे बोलेंगे नहीं जी ठीक है जो कैमरा खोलेगा मजा उसी को आएगा भैया आंखों में आंखें मिला के सुनना असली फील तब आएगा नहीं तो नहीं आएगा ठीक है तो मैं इतनी भीड़ से पूछू भूत होते हैं तो ज्यादा बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा है वो बोलेगा नहीं जी भूत भूत कहाँ होते हैं तो सब कहानी है फालतू की कहानी है मैं एक जेनवन स्टोरी सुनाता हूँ बच्चों मैं था बारहवीं क्लास में देवनगर के रहने वाले हैं आप लोगों ने जानबुगड़ी को देखा होगा जहां फीस काउंटर था फीस डिपोजिट कराते थे यहाँ हमारा एक छोटा सा घर होता था अभी तो ये फोर स्टोरी फाइव स्टोरी बना हुआ है सिंगल स्टोरी घर होता था उस वक्त मैं ट्वेल्थ में था तो उस वक्त ऐसे ही मतलब कि बहुत बहुत सारे दोस्त थे हम इकट्ठे मिलजुल के पढ़ते थे पुराना टाइम था ये कोई नेट तो होता नहीं था तो मिलजुल के पढ़ते थे मैथ्स मेरा ठीक ही था तो सारे लोग मेरे घर आ जाते थे भैया ये मैथ्स का क्वेश्चन फंसेगा तो ये बताएगा जैन ठीक है भैया तो एक दिन ऐसी बातें चल पड़ी भाई भूत होते हैं कि नहीं होते तो दो ग्रुप बन गए एक ग्रुप दूसरी तरफ कहता है भूत होते हैं दूसरा मेरे वाला ग्रुप जो था वो कहते है नहीं होते जी तो लड़ाई हो गई कुल मिला के अच्छे से ठीक है भूत होते हैं नहीं होते हैं तो खैर एक बंदा बोलता है जी बालाजी तुम गए हो कभी भाई हम मैं मतलब की बालाजी के मेहंदीपुर बालाजी की बात कर रहा हूँ नहीं जानता था उस बारे में उस वक्त नहीं जानता था उनका नहीं भाई वो वहां जाओ भाई वहां पता लग जाएगा भूत होते हैं ठीक है अब ये बात ना एक साल बाद शुरू हुई बारहवीं तो चल रही थी लेकिन एक साल बाद ही स्टोरी का सेकंड वर्ड आता है तो उस वक्त तो बहस वहस हो गए चलो जी चलेंगे लेकिन अब बारहवीं का बच्चा कैसे जाएगा मेहंदीपुर बालाजी उसका बोर्ड का एग्जाम है हमने कहा चलो चलेंगे चलेंगे अगले साल साल देखेंगे इस बोर्ड के एग्जाम निपटाते हैं ठीक है भैया ये वो मेरे साथ रात को रोज पढ़ने आता था घर पे ही पढ़ते थे बारह एक बजे तक ठीक है भैया ये कोई बात है मेरे ख्याल से दिसंबर की बोर्ड मार्च में होते थे तो दिसंबर में सर्दियों के महीने होते हैं मेरे ख्याल से दस पंद्रह दिन तक लगातार वो आ रहा था रात को लेट नाइट हम स्टडी कर रहे थे तो एक दिन बोलता है जैन आज ना यार मूवी देखने चलते हैं बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते थोड़ी बोरियस महसूस हो रही है वो थोड़ा मतलब कि तेज सा लड़का था पढ़ाकू बहुत नहीं था बोलता है जैन आज मूवी देखने चलते हैं मैंने कहा भाई देख मेरे घर वाले परमिशन नहीं देंगे बोलते हैं नहीं यार चल ले तो मैंने परमिशन ली ठीक है भैया उस वक्त उस वक्त पूसा रोड करोल बाग पूसा रोड पर रचना सिनेमा होता था क्या उसमे मूवी लगी हुई थी अहिंसा ध्यान से सुनते रहना सुनील दत्त हीरो था उसके अंदर ठीक है भैया तो बोलते हैं चल यार बड़ी अच्छी पिक्चर है देख के आते हैं मैं कहा चल देखने चलते हैं भाई लेकिन नौ से बारह का शो है रात को यार फिर वो परमिशन वरमिशन लेके मतलब बहुत सारे झंझट हुए हम चले गए बारह बजे तक पिक्चर देखी मजेदार पिक्चर थी पिक्चर देखकर बाहर निकले बाहर निकले पूसा रोड से देवनगर तक आते हुए जो रास्ता है किकर वाले चौक वाला है जिसके बीच में एक शमशान घाट है मालूम है ठीक yes, है सुनते रहना सुनना सुनना ध्यान से से तो उस शमशान घाट वाले रास्ते अपन लोग आ रहे ठीक है तो वापिस आ रहे वो है मैंने कहा तेज लड़का था वो बहुत मैं थोड़ा पढ़ाकू टाइप का था ठीक है भैया तो जैसे ही शमशान घाट के बाहर से वापस आ रहे ना तो वैसे बोलता है जैन यार शमशान घाट मेरे कहा हाँ है अब मेरे को घबराहट सी हो रही है मेरे को पता है चालू है मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है मैं उसको दिखाया नहीं अगर थोड़ा सा डर तो गया था है तो क्या हुआ बोलता जैन अंदर चलते हैं है। पागल हो गया क्या अंदर कौन जाएगा बोलते है जैन एक बार ही देख के आते उसमें क्या दिक्कत है ठीक है कुछ होता थोड़ी है तू तू नहीं था अभी पीछे बहस हो रही थी भूत भूत तो कुछ होते नहीं है तो बात ठीक है यार लेकिन रात के बजे कौन में जाएगा बोलते अच्छा एक बात सुनना बस ना दरवाजे से ना थोड़ा सा अंदर जाएंगे देख के वापस आ जाएंगे मैं कहा यार अगले दिन स्कूल में जाके बहुत मजाक उड़ाएगा ये सबके बीच में एक बार ही खोल लेते हैं साथ में मैं दिल पे हाथ रख के चला ठीक है जी वो ले गया अंदर तक थोड़ी दूर तक गए कुछ खास था नहीं भैया वहां पे एक बूढ़ा सा व्यक्ति ऊपर बैक करके मतलब हमारी तरफ बैक बैठा था और आग में हाथ सेक रहा था कोई खास बात नहीं थी ठीक है भैया जैसे ही उसने कहा बस उस बूढ़े के पास होके आएंगे उन्होंने कहा चल भाई चल बूढ़े के पास गए उसने जैसे ही उस बूढ़े की कमर आया मजा <laughs> कोई डरा yes,

चलिए चलिए कोई नहीं क्लास शुरू करें भाई कर करेलो क्या अरे भाई फालतू की कहानी थी यार तुमने बोला मैंने जबरदस्ती बना के सुना दी भैया ऑफलाइन आ जाएगा ओ भाई आ तुम्हारे पेपर कैंसिल किस लिए करें गवर्नमेंट ने कोविड <laughs> बहुत बुरी तरह से फैल रहा है एक भी बच्चा ऑफलाइन नहीं आएगा क्लास चल रही है अब कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं फिर मैं कहानी बता दूं क्लासेस चल रही हैं महीने के एंड तक चलेंगी पेपर का प्रेशर खत्म हो चुका है ठीक है भैया तो भी जो हमने सीखना है वो हम पूरा करेंगे आज की क्लास सिर्फ भैया 20 25 मिनट की लेते हैं 30 मिनट की लेते हैं और आज थोड़ा सीख के छोड़ते हैं बाकी कल से जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे ठीक है भैया अब अपने-अपने वीडियो बंद करो मेरे को तो लग रहा है आज कहीं 100 से ज्यादा ही ना आ जाए मतलब जो नहीं है हमारे पास वो भी आ जाए सर मैं नंबर बताऊं बीच पेपर नंबर बताओ सरिया तो 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 पेपर नहीं कौन बजा रहा है लक्ष्य का माइक चालू है लक्ष्य गर्भ लक्ष्य का माइक चालू एक सेकंड रुकना पड़ेगा मैं कह रहा था ना मजा सा नहीं आएगा यार सारे सामने बैठे हो तो असली मजा है इस कहानी को तो सुनाने का सामने जला लो कैंडल कर दो अंधेरा चारों तरफ फिर सुनाओ देखो नॉर्मली बैच में जब सुनाता हो ना लड़के भी कुछ उठ उट उठ के खड़े होके इधर उधर से भागते हैं हाँ जी 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 भैया मेरे भाई बहन सब बताते हैं कि भैया भूत वाली कहानी सुनाते हैं मैंने बोला इस साल हमने हमारा तो हो ही नहीं पाया <laughs> हम सब पेपर नंबर बताएगा कोई मेरे को एक क्वेश्चन चलिए अब नॉलेज बेस ही काम करना है तो कुछ थोड़ा सा सुनना ध्यान से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं भैया ठीक है अभी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी लेकिन मेरी जो आदत है देखना वीडियो आ रहा है क्या आप लोगों के पास तो... हाँ जी ध्यान से देखिएगा देखो क्वेश्चन दे रहा हूं कोई भी निकालने की कोशिश करना उसके बाद सैंपल पेपर पिक करूंगा सर मैं दी दोबारा बोलो बच्चे सर क्या ये लीड पर जा रही हूं सर मैं साउंड क्लियर नहीं है लेकिन चलो मेरे को लीव पहले सरकार आ रही है सर अभी लीव करके आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ ठीक है ट्रायंगल एबीसी में एंगल पीक्यू सॉरी कांटेक्ट पॉइंट पीक्यूआर मैंने दिए हुए हैं आपको ठीक है जी एंगल ए तनिष्क है क्या बैच में तनिष्क तनिष्क आज गायब हो गया पेपर के चक्कर में होगा पेपर खत्म होगा अब ठीक है ठीक है ध्यान से सुनते रहना उसी ने पूछा था क्वेश्चन तो वही ले रहा हूं अभी मैं ठीक है गिवन में ये फिगर है बच्चों और कुछ नहीं और मैं ये कह रहा हूं आपको यहां पर कि एंगल ए का आपको रिलेशन निकालना है एंगल पी के साथ ठीक है थोड़ा रफ लैंग्वेज लिख रहा हूं एंगल और ए और पी का रिलेशन टू प्रूफ लिख दूंगा कि ए और पी का क्या रिलेशन होता है तो आपको एक हिंट मिल जाएगा क्योंकि एक्चुअली एमसीक्यू में आता है कि एंगल ए इस एंगल पी पर डिपेंडेंट कोई सा रिलेशन चार ऑप्शन होती है मार्क करना पड़ता है आप में से जिसको दिख रहा है ध्यान से देखो एंगल ए और पी का रिलेशन किसी को भी बहुत आसान है भैया आदित्य को दिख रहा है सभी सभी सामने ध्यान देना भैया देखो ये फिगर में नहीं था भैया पेपर में आया आपकी नॉलेज है लेकिन ध्यान दीजिएगा ठीक है अच्छा ए और पी का रिलेशन तो नहीं पता मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ एक्स और वाई एक्स और वाई का रिलेशन तो नहीं पता बच्चों लेकिन ध्यान से देखना एक्स और जेड इसके बारे में कुछ जानते हो क्या भैया yes. बाकी भी बोल लो ना भैया सारे ठीक है एक्स और जेड सर हाल, हर हालत में वो वो प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, के पे बनना है वाला एंगल, एंगल, एंगल एक्स एक और सेंटर पे बनने वाला एंगल एंगल वाई इन दोनों का सम होगा तो सर निकालना तो एक्स और वाई का कोई रिलेशन है एंगल एक्स एंड एंगल वाई का कोई रिलेशन निकालना है हमें ठीक है भैया लेकिन सर पता नहीं एक्स और जेड का तो लिख सकते हैं भैया हमें से ही नहीं हो पा रहा इसलिए दो तीन लिख दिया मतलब भूल गया स्किप कर गया एक्स और जेड का सम पता है 180 चाहिए, वाई का रिलेशन वो जो बच्चा कह रहा था मालूम है वो छोड़ देना जिस, जिस को आगे दिख रहा है बस हैंड रेस कर लो बाकी सारे हैंड डाउन कर लो जेड की जगह वाई चाहिए कल ही पड़ा है ध्यान से देखो डिग्री मेजर थ्योरम क्या डिग्री मेजर थ्योरम एक आर्क एक आर्क से सेंटर से पे बना एंगल उसी आर्क से अल्टरनेट सेगमेंट पर बने एंगल का डबल होता है डबल होता है यानी आप साइड नोट पर दे सकते हो एंगल जेड इक्वल है डबल एंगल वाए। वाए। ठीक है भैया तो जेड की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस डबल ऑफ वाई और अगर जो मेरे को क्वेश्चन दिया गया था उसमें एमसीक्यू थी और उसमें वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा था वाई डिपेंडेंट तो अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू निकालू तो ये वन एट्टी माइनस टू वाई आ जाती है ये एक्स वाई का रिलेशन ये आ जाता है एक बार ही सोच के करना भैया थोड़ा सा बैलेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़िएगा क्योंकि जब पेपर नहीं है तो एक ठीक बात है चलो पेपर नहीं है बर्डन खत्म हो गया लेकिन उसके बाद मेहनत उस तरीके से हो नहीं पाती ठीक है भैया तो जब हम चीजें खत्म करने बैठे हैं कि भैया नहीं अब टेंथ का पैकेज तो पूरा ही करेंगे ठीक है भैया पेपर हो या ना हो फोकस बना के करना जल्दी से करना मैं इतने सैम्पल बताओ ना भाई कौन सा चल रहा था पाई। पाई। हाँ जी वो मैंने आपसे फंडामेंटल बिल्कुल बता दूंगा बिल्कुल बता दूंगा भैया हाँ जी भैया आपको याद है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो कि जिसमें मॉडर्न निकालना था मेन निकालना था मैंने हाँ। आपसे बैच के बाद तो भैया मैंने उसका आंसर नेट पे चेक करा उसमें मोड ही निकालना था मोड ही निकालना था हाँ भैया अच्छा पता लग गया ना आपको हाँ भैया वो मोड ही निकालना था ठीक पेपर नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर बोलो कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन नंबर सर पेपर नंबर सेवन में क्वेश्चन नंबर इलेवन है पेपर नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन सब बच्चे पहुंचो अपने आप से निकालने की कोशिश करना सिक्स पेपर में कुछ नहीं है क्या है, या हो गया सर उसमें मिला नहीं मिला नहीं पेपर नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन अब थोड़ी बेटर बातें करेंगे भैया क्योंकि अब थोड़ा सा वो वाली बात नहीं है कि बोर्ड की तैयारी करानी है नॉलेज देनी है आपको ना कि कंप्लीट नॉलेज वाला पैकेज रखना है तो थोड़ी इधर उधर बातें कर लेंगे अब उस हिसाब से से ध्यान सुनते रहना चाहिए ठीक है और अभी भी एक एक ऑप्शन कुछ बच्चों को जरूर रहेगी वो ध्यान देना भैया आपके स्कूल में इंटरनल एग्जाम में नहीं कह सकता होंगे नहीं होंगे जिस बेसिस पे आपको नंबर देंगे आगे स्ट्रीम देंगे ऑनलाइन ही लेंगे ऑफलाइन तो नहीं ले सकते लेकिन वो शायद कुछ स्कूलों में हो ठीक है पक्का नहीं पता अभी वो आगे जैसे आपके स्कूल वाले बताएं ये काफी फेमस क्वेश्चन है भैया सभी सा, साथ रही है फिफ्टी डिग्री ये एंगल है ठीक है भैया ड्रॉ में हर चीज हमें वहां दिख रही है और वो कह रहे हैं एंगल क्यू एस आर फाइंड आउट करना है एंगल क्यू एस आर फाइंड आउट करना है अभी इसी बारे में बात हुई है वैसे ऐसा सही एक क्वेश्चन मैंने अभी निकाला था ठीक है तो मेरे ख्याल से आप जल्दी बोल दोगे फटाफट से बताओ एंगल एक्स और फिफ्टी दोनों का 180 डिग्री डिग्री फिगर में निकालते हैं क्योंकि वन आर्क आर्क से सेंटर पे बना एंगल उसी आर्क से बचे हुए सर्कल पर बने एंगल का डबल होता है एंगल एक्स डबल ऑफ वायक है और एंगल एक्स मेरे पास वन थर्टी है और मैं इससे y निकालूंगा तो 130 डिवाइडेड बाय 2 यानी 65 चीक आ गया ठीक है भैया तो उसने ये एंगल पूछा था एंगल y 65 सोच के करिए बार-बार कह रहा हूँ भैया जो प्रेशर खत्म हो गया अब आप वीडियो देख रहे हो तो उससे अच्छा आपको क्लास लीव करके कुछ और करना चाहिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है तो हाथ से निकालना सुस्ती में मत बैठना आ जाएगी कई बच्चों को सुस्ती फायदा नहीं है

एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ये बात तो है वो पता नहीं क्या है वो क्लियर नहीं हुआ अभी नेक्स्ट नेक्स्ट जाना पेपर फोर का थर्टी फिफ्थ बज रहा था कोई बात नहीं उसे अब बिल्कुल लैंड में याद दिला देना पहले अब आगे बढ़ते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट भैया ट्वेल्थ क्वेश्चन जल्दी से करो सारे जल्दी से करो मैं रुक जाओ रुके हुए ठीक है देखो भाई कोई चल तो नहीं रहा ना सब रुके हैं ना देखो मैं भी रुका हूँ ठीक है ध्यान से <laughs> करो यार करो वैसे तो यार आज हाँ पहले तो ये काम करते हैं फोकस खराब होगा फ्रॉम अ पॉइंट पी द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर सभी ध्यान देना पी पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ 15 सेंटीमीटर है ठीक है अपने आप से कर सकते हो वही पैशन रख रहे हैं हम थोड़ी सी स्पीड बनाते हैं जैसे कल काम चल रहा था पी पॉइंट से सर्कल पर एक टेंजेंट की लेंथ सर पी ये बोल देते हैं टेंजेंट की लेंथ 15 सेंटीमीटर है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर इज 17 पी का सेंटर से डिस्टेंस 17 है ठीक है रेडियस वो हमसे पूछ रहा है ठीक है कौन सी थेरम से आएगी जल्दी से बोलो पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम कमी बताओ कमी

ये हमारे पास आ गया रूट सिक्सटी फोर इज इक्वल रेडियस एट सेंटीमीटर इज इक्वाल आंसर अगला जिसको दिख जाता है जल्दी से बोल देना क्वेश्चन 23, 23 23. अब मैं थोड़ी सी इधर उधर की बातें कवर कर लूंगा क्योंकि अब हम टाइम में बंधे हुए नहीं है हाँ जी बिल्कुल इसी के साथ का वे या? इसी के साथ का है फिगर बनाने में गड़बड़ हो सकती है फिगर पे ध्यान दीजिएगा किसी का ये वाला रह गया तो बोलो ये हो गया बोलता हाँ बोलते लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ भैया ध्यान से देख लेना गलत हो तो बता देना ना हो तो मत बताना ठीक है गलत सर, बोला। मत जाना। मत जाना, अभी रुको तो सही लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए ये देखो ना मैं भी तो वही लिख रहा था

अब वो कह रहे हैं रेडियस निकाल ली ठीक है भैया एक छोटा सा ना भैया मतलब कि पेपर तो हो गए कैंसिल बार बार कह रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव का जो इन्होंने फंदा डाल दिया ना बीच में माइंड में रखो पढ़ाई हो जाएगी कि ऑब्जेक्टिव पता नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन कौन से टेस्ट होंगे ठीक है तो थोड़ा ध्यान देते हैं अभी ध्यान से देखते रहना तो देखिए राइट एंगल ट्रैंगल है एंगल वन नाइन्टी रेडियस एनजन नाइन्टी बस पैथो डालनी है रेडियस आ जाएगी किसी को कन्फ्यूजन है तो बोलना

एनसीआर क्वेश्चन पूरी NCRT, इस एनसीआर में कवर हुई है भैया जो बच्चे लेट आए हैं वो ध्यान से सुन लेना आपको जरूर मालूम होगा आपका बोर्ड का पेपर कैंसिल हो चुका है जिन्होंने लेट अभी अभी ज्वाइन किया है ठीक है ठीक भैया तो भी हम पूरी बात सीखने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो बात ध्यान देना और बैच मंथ के एंड तक ऐसे ही चलेगा ठीक है जिसमें हम सारा जो पैकेज पूरा करना था वो पूरा करेंगे सिर्फ लर्निंग के लिए सिर्फ सीखने के लिए के लिए नहीं। दो सर्कल है जिनकी रेडियस, और है। है रेडियस, है, हैं, रेडियस पांच सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर है एक ऐसी की निकालो जो बड़े में, में टेंजेंट हो सर ध्यान दो ये बड़े छोटे पे टेंजेंट नहीं है अगर आप मेरा मार्कर देख रहे हो थोड़ा सा रफ आईडिया इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो इस सद तक ये बड़े में कॉर्ड है छोटे को टच कर रही है छोटे पे टेंजेंट है निकालना है भैया जितनी बारी कर रहे हो देखो स्पीड बढ़ती जाती है ये बड़े सर्कल का रेडियस है फाइव ये छोटे सर्कल का रेडियस है थ्री ठीक है भैया रेडियस एंगल नाइनटी बनाएंगे एंगल वन आप नाइन बोल सकते हो रेडियस पर परुलर होता है पैथर्स लगाओगे इन दो चीजों से तीसरी निकलाएगी यानी ए एम निकलाएगी जब ए एम निकलाएगी तो ए बी के लिए ए एम का क्या करोगे जल्दी से बोलना डबल कम है तो बात करना अब आपके पास पेपर की टेंशन नहीं है लेकिन अब अपनी नॉलेज तो दिखाओ ठीक है पक्का डबल हो जाएगा क्योंकि सेंटर से परपेनिकुलर सेंटर से परपेनिकुलर कॉर्ड को बायसेक करता है वो ठीक है इसमें कितनी हुई है जल्दी तीन तीन, तीन, कोई, भी तीन, सर, तीन, तीन कोई भी दो चीजें गिवन रखो सर तीसरा रिजल्ट हो जाएगा कोई भी दो गिवन रखो तीसरा रिजल्ट हो जाएगा वो अच्छे कुछ लोग काम आ भी जाता है ठीक है पैथोरस ले रहे हैं बच्चों ए एम निकाल रहे हैं नाइनटी के सामने वाली हाइपोर्स का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है ये ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन सिक्सटीन स्क्वायर इधर ले जाओ रूट सिक्सटीन रूट सिक्सटीन यानी फोर सेंटीमीटर हमारा ए एम आ गया जब ए एम आ गया तो ए बी ए एम का डबल यानी डबल ऑफ फोर सेंटीमीटर यानी एट सेंटीमीटर हो गया आंसर नेक्स्ट अगले सैंपल पेपर का बारवा ट्वेल्थ हाँ जी नेक्स्ट सैंपल पेपर ट्वेल्थ

टू मोनिश भैया क्वेश्चन रिपीट करना क्वेश्चन सामने लिखा है भाई बारह नंबर क्वेश्चन पढ़े बोल गए घोटाला हो जाएगा ध्यान से पढ़ो भैया दो ही बनेंगे दो ही बनेंगे चलो मैं देखता हूँ तो कितने बनेंगे हाउ मैनी बनेगा जीरो जीरो भाई तुम सर जीरो बोलोगे तुम्हारी जान निकाल लूंगा मैं सर तुम्हारा जीरो नहीं है हीरो है ठीक है भैया आप ध्यान से सुनो हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस फोर बोलता है एक सर्कल जिसकी रेडियस में मार्क कर देता हूं ताकि आपका ध्यान जाए जिसकी रेडियस चार सेंटीमीटर है ठीक है भैया इसके सेंटर से तीन सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है बताना सेंटर से तीन सेंटीमीटर दूर पॉइंट सर्कल के बाहर होगा या सर्कल के अंदर होगा सर जब रेडियस चार है तो सेंटर से तीन सेंटीमीटर दूर तो हम सर्कल के अंदर ही रह जाएंगे अगर ये तीन है तो... और अंदर से क्या सर्कल पे कोई भी टेंजेंट बना सकते हो तुम नो सर भाई सर्कल को टच करने वाली लाइन no, टेंजेंट होती no, है अंदर से तो कोई भी लाइन बनाओगे भैया वो काट के ही जाएगी चाहे कैसे भी बनाओगे यानी टेंजेंट बन ही नहीं सकता यानी कितने टेंजेंट हुए जी भैया तो देखो दिमाग चलाना आता है ना भैया एक एग्जाम था एक नंबर थे सारी बातें ठीक थी दिमाग चलाना सीखते हो आप ठीक है तो अब इस लालच में पढ़ना बस और कोई लालच है नहीं अब आपको अगला क्वेश्चन बोलो अच्छा एक मिनट रुको एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान आती है देखना ध्यान से देखना पहले भी कभी डिस्कस हुआ होगा ये कॉन्टेक्ट पॉइंट भी है और ये सी है गिवन में ये पॉइंट हमारा पी है गिवन में हम आपको फिगर दे रहे हैं और प्रूफ में मांग रहे हैं बहुत आसान है एक लाइन में होगा पी इक्वल पी सी जिस जिसको दिख रहा है बस एनट्रेज करना बाकी सब हैंड डाउन कर जाओ आसान भी है और अटकाना हो तो अटका भी सकते हो बोलना 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 मत, बोलना मत, ही मत बोलना भी रुको। अब थोड़े ने -ने बच्चे दस बच्चे तो ही बोलते हो गई तो भैया जो नहीं बोलता भाई तो, तो, तो तेरी आवाज तो रोज सुनते हैं हिमेशनेश बता देंगे आज हिमेशनेश दिमाग बहुत बढ़िया चलता है बस ये बोलते नहीं है मुझे पता चल गया इशारा मारो इशारा पेपर में मेरे को ले जाना बस इशारा ही मारूंगा अच्छा गलत क्या है भैया कई कई बार बच्चे कॉमन पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट बराबर होते हैं सर ये तो डायरेक्ट लिख दो अरे नहीं हो भाई एक ही सर्कल पे नहीं है दो टेंजेंट अलग अलग सर्कल पे है लेकिन सर बात आप आसान कह रहे हो ज्यादा बच्चा मान लेगा कि सिंपल सी बात है सर दिख चुकी है कॉमन पॉइंट से बनने वाले इस इस लेफ्ट वाले सर्कल पे पी एपी बी बराबर है बस आज का लास्ट क्वेश्चन लूंगा भैया आज आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहो सही रहेगा कल से थोड़ा पैशनेट पैशनेट अपना पूरा टाइम लेके ढंग से सारी क्लासेस पूरी करनी है पैशनेट आएंगे सारे आज थोड़ा सुस्ती आई जा गई होगी ठीक है लेफ्ट वाले सर्कल पे पी एपी बी बराबर है राइट वाले पे पीबीपीसी कॉमन पॉइंट से बने टेंजेंट बराबर है ठीक है पी एपीबी के बराबर है पीबीपीसी के बराबर है तो यानी सभी बराबर है यानी आप कह सकते हो पी एपीसी बराबर है ठीक है जी प्रूफ अच्छा एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ बच्चा पूछ रहा था था उसकी बात करते हैं ठीक है जिस व्यू से आपने पूछा था, उस व्यू को पहले समझना कोई कोई बच्चे को ऐसा लगता है थ्योरम ज्योमेट्री में होती है और उनका कोई ज्योमेट्रिकल प्रूफ ही होता है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है ये एक अलजाब्रा की स्टेटमेंट है भैया ये एक अल्जाबरा की स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थेमेटिक हमें क्या बताती है किसी भी कंपोजिट नंबर किसी भी कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर है किसी भी कंपोजिट नंबर के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे ध्यान देना 12 के मैंने प्राइम प्राइम फैक्टर फैक्टर बनाए ठीक है भैया ये मैंने बनाया माइक पर अगर आप आ सके तो आ जाओ या बाकी बच्चे भी बोल दो ये मैंने प्राइम फैक्टर बनाए अगर आप भी बनाओगे तो अलग बनेंगे या, या बनेंगे? Yes, सेम बनेंगे यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर यूनिक वे से बनते हैं, एक ही तरीके से बनते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर होना है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ठीक है कहां तक यार, फट आउट, फट आउट ना अगर होना है तो टेंशन मत लेना वैसे ठीक है कंपोजिट के प्राइम फैक्टर यूनिक वे से बनते हैं तो क्या लिखोगे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन यूनिक वे अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर

नमन भाई ये थोड़ा कम दे ना भी अभी भी ज़्यादा तो टाइम मिल जाएगा पढ़ाने के लिए ठीक है बच्चों ओके गुड बाय बाय थैंक यू सर ओके सर मजे करो मजे you, करो आज के लिए ओके सर ओके